वेलकम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा, आपका एक बार फिर से स्वागत है। व्यूअर्स, 2024 के जनरल इलेक्शन खत्म हो चुके हैं। मोदी साहब ने जैसे ही वो ओथ ली, उसके एक दो दिन बाद ही ना माता वैष्णो देवी पे जाती हुई बस पे आतंकियों ने हमला किया। अभी हाल ही में फिर कठुआ में एक सक्रिय हुए पड़े हैं। ये जम्मू रीजन के अंदर ही आतंकवादी घटनाएं, इस्लामिक आतंकवादी कहना ज्यादा बेहतर है, घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। इसका कुछ टाइमिंग से लेना देना है, क्योंकि अभी राहुल गांधी मणिपुर गए हुए हैं, मोदी साहब रशिया गए हुए हैं, कुछ टाइमिंग में लग रहा है कुछ। तो इस विषय को विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने रक्षा विश्लेषक कर्नल आर एस एन सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले भी हमने डिस्कशन की थी कि जब मोदी साहब की ये थर्ड टर्म में जी ऐसी घटनाएं हमें अप्रत्याशित रूप से देखने को मिलेंगी। अभी राहुल गांधी वहां पहुंचा हुआ है, मोदी साहब की इतनी इंपॉर्टेंट विजिट हो रही है रशिया में, यहाँ पे ये एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, इस्लामिक आतंकवाद, तो ऐसा क्यों, इनका कुछ लेना देना है, लिंक है आपस में कुछ? नहीं, मैं आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। देखिए, जो साउथ ऑफ पीर पंजाल जो ये हमले हो रहे हैं, तो इसको मैं दो तीन नज़रिए, मतलब इस नज़रिए से देखता हूँ कि जब 370 का एब्रोगेशन हो गया, तो जो प्रॉक्सीज जो अंदर में हैं और प्रॉक्सी वॉर का संचालन करने वाला पाकिस्तान की ISI, ये भी पाकिस्तानी है अंदर में, जो अंदर जो, तो जो, जो संचालन कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान है। जितना जल्दी इसको मान लें, सही बात, तो वो उतना बेहतर है, उतना बेहतर है। तो इसमें क्या हुआ कि एक हमने पैटर्न देखा कि भाई देखो, चीजें बड़ी सख्त हो गई हैं वैली के अंदर में, और वैली से अगर वेस्ट में, नॉट पहाड़ी इलाके, फिर आपका LOC आता है, तो कहते हैं भाई कि LOC में क्यों जोखिम उठाना, हम क्यों नहीं, हम जम्मू रीजन में ही हम एक्सप्लॉइट करें इसको। बिल्कुल, ये 370 हटने से पहले ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और यहां पर इंफिल्ट्रेशन ज्यादा आसान है। आप मेरी बात मानो, जम्मू रीजन में वो इसलिए क्या है कि आजकल वो टनल्स का टनल्स के जरिए आते हैं, और टनल जो वो पाकिस्तान रेंजर्स है, वो खुद अपनी निगरानी में खुदवाते हैं। अब एक बार उन्होंने टनल बना दिया और IB क्रॉस कर गए, तो उसके बाद से वो नेशनल हाईवे 1 Alpha है, जो कि जम्मू से श्रीनगर तक हो जाती है, पठानकोट से श्रीनगर तक। तो उनके लिए पहली चीज है कि चॉइस ऑफ टारगेट बहुत, वो ये सांबा कठुआ ये रीजन में भी आ सकते हैं, वो और ऊपर जाके जम्मू टाउन में वो टारगेट एक्वायर कर सकते हैं, कुछ हो सकता है कि कुछ वैली में भी गांव जाए से वो और वहां पर जाओ, तो वहां पे फ्लो ऑफ ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि अगर आपने 10 मिनट के लिए भी चेकिंग के लिए कोई गाड़ी रोक दी, तो समझ जाइए कि 3-4-5 किलोमीटर लंबा जाम लगेगा, जाम हो जाता है। दूसरा क्या है कि नेशनल हाईवे 1 Alpha के दोनों तरफ वहां पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स बहुत, मिलिट्री यूनिट, सब यूनिट्स इस तरीके से वो काफी है, बॉर्डर इलाका तो वो भी है। अब हुआ क्या है कि 370 के बाद या उसके जस्ट एब्रोगेशन के 2-4-5 साल पहले से, और एक बड़ी सुनियोजित तरीके से वहां पर मुसलमानों को बसाने की एक अभियान चलाई गई। हाँ, रोहिंग्या को जम्मू रीजन में, और ये दुनिया, मतलब ये भारत में
ये सबसे अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन कौन लोग थे। जम्मू एंड कश्मीर में कोई बाहर वाला चला जाए, हम और आप मकान बना ले, हम एक झोपड़ी भी बना ले, तो आपको मालूम है क्या होता है। लेकिन इतने सारे रोहिंग्या बस गए नगरोटा, सेंसिटिव एरिया जो इंस्टॉलेशन है आर्मी के, नगरोटा के पास सुजवान मिलिट्री कैंप, कहते हैं कि कुछ जो अटैक हुआ था सिजवान मिलिट्री कैंप में, उसमें कुछ रोहिंग्यास का भी हाथ। तो ये कौन सा ये प्लानिंग था, कौन सा कॉन्स्पिरेसी था, कौन इसके आर्किटेक्ट थे, ये आज तक नहीं पता चला। और तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ का, अब टनल से तो आप आ जाते हैं, टनल से आने के बाद आपको गाइड चाहिए, सिंपैथेटिक पॉपुलेशन चाहिए, है ना। तो वहां उन्होंने कहा कि ये जितने गुजर जो कि सर्दियों में नीचे आ जाते हैं उनको यहाँ पे सेटल करो। ट्रेडिशनली गर्मियों में वो चले जाते हैं अपना, वो अपने जानवर लेके, और वहां पर फिर जब सर्दियां आती हैं तो वो नीचे चले आते हैं। ये पैटर्न उनके, ये कुछ राइट्स थे। तो आपको मालूम है एक रोशनी एक्ट लाया गया, वेरी मिस्चीवियस एक्ट। हाँ बिल्कुल, कि हम जमीन बेचेंगे और उससे हम बिजली देंगे, ये था। तो उसमें क्या होता है कि ये कहे कि भाई, अब लोग रेजिस्ट करते थे इसको कि भाई ये कहां से बाहरी आदमी को आप लाके बसा रहे। अच्छा, वो सारे हिंदू थे, डोगरे थे, ट्रेडिशनली इंडिया के सपोर्टर रहे हैं, इंडियन आर्मी में भारी मात्रा में वो ज्वाइन करते हैं, वो रिक्रूट होते हैं, तो वो एरिया में एक मतलब बड़े पैट्रियोटिक लोग थे। तो इसलिए वहां पर इनको बसाना इतना आसान नहीं था, आप समझ रहे हैं मेरी बात। देयर वाज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, सो दे हिट अपॉन एन आइडिया। उन्होंने एक मुहिम चलाया, मुहिम का कि कुछ इनको ऐसे केस मुकदमों में डाल दो और इतना डरा दो इनको कि वो अपने आप मजबूर हो जाए, कि वो मतलब प्रोटेस्ट ही ना करें, वो इनको फेट कंपनी समझ के इनको एक्सेप्ट कर ले कि भैया अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो इसी सिलसिले में ये पूरा कठुआ रेप केस जो है उसको इंजीनियर किया, ऑर्केस्ट्रेटेड किया गया, इसको इंजीनियर किया। लोग कहते हैं जो मुख्यमंत्री थी वहां की, उसी ने ये सब पूरा उसका गेम प्लान था। बट आपको जितेंद्र जी ये बात अप्रिशिएट करनी होगी कि कहां तक इनकी प्लानिंग होती है। और एक मुसलमान चाहे जहां भी हो, सॉरी फॉर माय सेइंग, वो जहां भी हो, किस भी पद पे हो, उसकी ऑब्जेक्टिव और वो कितनी क्लियर है उसकी। वो तो सर फ्रांस में भी देखने को मिला अभी हाल में। वही मैं कह रहा हूँ, फ्रांस में अपने, और देखिए इस चुनाव का एक सबसे अच्छा चीज हुआ है कि अभी खुल के मुसलमान वोट बैंक के बारे में, मुस्लिम वोट बैंक के बारे में चर्चा हो रही, मुस्लिम की मानसिकता के बारे में चर्चा हो रही। ये पहले कभी नहीं हुआ था। कई नेता उन्होंने कहा है कि भाई इनको कोई मतलब नहीं है, आप हाईवे बना दो, ये बना दो, मकान दे दो, स्पेस में चले जाओ। अब तो जब स्पेस पे कोई चला जाता है तो भी इतना दुख होता है इनको सब। और तो और जब कोरोना के पीरियड में, मैंने उस समय जब वो राइज कर रहा था, इट हैड नॉट येट पीक्ड, तो मैं कई मुसलमानों से बात करता, सर हमारे यहां ये सब नहीं होता है, आई स्वेयर। तो ये मानसिकता, आप सड़क बना दो, आप इनके लिए वो क्या कहते हैं, पानी दे दो इनको, इनको घर बना के दे दो, खाना दे दो, आवास योजना कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है ना, इनको किसी चीज से मतलब नहीं। वो उसी को वोट देंगे जो कि इस्लाम को आगे बढ़ाएगा।
आपको मालूम है ना कि वो जो इत्र का जो किंग है क्या बहरुद्दीन अजमल जो असम का 10 लाख वोटों से हारा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि नहीं ये दूसरे पार्टी का है, उससे मोदी को चोट नहीं पहुंच सकती है, इसलिए कांग्रेस को वोट दो आप। ठीक है, तो ये पूरा एक षड्यंत्र के तहत वहां पर ये कठुआ रेप केस किया गया। वो एक बेचारा बुजुर्ग आदमी, अच्छा मैं उस गांव में गया, मैंने पूरी स्थिति मैंने देखी, मैं उस मंदिर में भी कहा आप कभी जाके देख लेना उस मंदिर को, और वहां के जितने उस एरिया के लोग हैं ना वो देवी के उपासक हैं। ठीक है, देवी में बहुत आस्था है, वैष्णो माता में बहुत आस्था है, बड़े सीधे साधे लोग। अब उसको कहा गया कि वो एक गुजर लड़की थी, आज तक उसका नाम नहीं मालूम है कौन था, उसका बाप कौन था, कुछ नहीं मालूम। एक फिक्टिशियस वो बनाया गया, और वो सांझी राम जो था बेचारा, वो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट था, कहा कि उसने अपने बेटे और भतीजे से उसको रेप करवाया। ये राहुल गांधी ये बोल सकता है कि हिंदू हिंसक होते हैं, मैं आपको बता दूं, मेरे एक मित्र थे, बहुत बड़े ऑफिशियल थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, मुंबई में पोस्टेड थे। तो एक ड्राइवर जो उनका था वो मराठी था, तो वो कुछ ये मुझे ले जा रहा था, तो उसने देखा है, बोले कि सर ये देखिए ये बोहरा मुसलमान है सर, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं सर, बड़े शरीफ हैं, बड़े ये देशभक्त हैं। बोले मुझे मालूम है, कहता सर वो बाकी जो है ना, कहता सर हमारे गांव में हमने कभी रेप नाम का चीज नहीं सुना सर, और हम भी अपने गांव में हमारे कोई ये रेप वेप नाम का कोई चीज ही नहीं होता है गांव में, क्योंकि हर आदमी वो हमारे गांव की बेटी है बहू है, मतलब हम लोग तो उस नजरिए से देखते हैं। तो उसने कहा कि सर ये सारा चीज जो है ना ये हमको मुसलमानों ने सिखाया, ये मतलब ये चीज ये फिनोमिनन जो है वो इनका लाया हुआ है ये रेप का। जो बातें मतलब हकीकत है मैं बताता हूं, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि एक हिंदू एक बुजुर्ग एक मतलब एक सनातनी जो बुजुर्ग सनातनी वो अपने बेटे और भतीजे को एक माइनर को रेप करने के लिए बोलेगा, आप सोच सकते हैं? सोच भी नहीं सकते बिल्कुल, थिंकिंग फिर भी उसको इन्होंने फंसाया। पूरी एक सिस्टम थी, आई एम सॉरी टू से कि इसमें जुडिशरी के भी लोग शामिल थे। और सुनिए, हमारे यहां वो है कि जुवेनाइल का नाम नहीं लिया जाएगा, इस केस में धड़ल्ले से इसका नाम खूब उछाला गया, क्योंकि वो हिंदू था सनातनी था, खूब धड़ल्ले, तो द कॉन्स्पिरेसी वॉज वेरी वेरी क्लियर। लेकिन वो निर्भया वाले केस में माइनर का नाम नहीं बताया गया, वो जुवेनाइल जो है, और वही नहीं उसको प्रोटेक्ट किया गया, एक दो आदमी जब नाम बताया तो बाप रे इतने मतलब द कोर्ट रियली क्रैक डाउन, जैसे उनका अपना बेटा और भतीजा हो। ठीक है ना, तो ये तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री चल रहा है सर। केजरीवाल साहब ने तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, वो उसके केजरीवाल को अभी ही हैज बीन रिहैबिलिटेटेड इन तमिलनाडु विद ग्रेट ऑनर। अब वो स्टालिन जाने कि वो अभी क्या कर रहा है, साधु मन के तो नहीं घूम रहा होगा। ठीक है, शायद उनको ऐसे ही लोग पसंद होंगे। तो एनी वे दिस इज वॉट हैपेंड। वो कठुआ वाले केस के बाद ये सब डर गए लोग वहां पर, वो सिर्फ डराने के लिए था। अब ये क्या है कि ये जितने आप देखेंगे ना, ये जो इलाका है कठुआ का और ये जो गांव है, इस इलाके में बहुत खड्स है, जम्मू रीजन में बहुत खड्स हैं, जो कि अभी बरसात में वो बिल्कुल स्पेट में रहते हैं, बिल्कुल उसमें काफी पानी हो जाता है। तो वहां पे ये क्या होता है कि
खड के इस तरफ और उस तरफ इनको ये बसाने की कोशिश, मतलब इन्होंने बसाया लोगों को, रोहिंग्यास को भी खड्स में बसा दिया है। अच्छा, तो वो एक नया इन्फिल्ट्रेशन रूट बन गया है, समझ रहे हैं। और उनका ये है कि अच्छा तुमने 370 हटा दिया, यहाँ का तुम ये करोगे, तुम क्या करोगे, हम ही बदल देंगे यहाँ का, ठीक है, यहाँ भी मुसलमान बसा देंगे पूरा जेन के जो है 370 के बाद, इसको और हम इस्लामाइजेशन करेंगे। और कुछ हमारे हिंदू पॉलिटिशियंस और भाई लोग, इन्होंने, इनको शर्म नहीं आई कभी, इनको बहुत थोड़ी शर्म थी। मैं तो गया था जम्मू, 2-3 बार गया था, इनको कोई शर्म नहीं है, वहां पे राजनीति कर रहे हैं, ये सनातन की राजनीति कर रहे हैं। इनमें एक को हिम्मत नहीं थी कि जाके, जब घाटी में हिंदू मारे जा रहे थे तो सनातन के नाम पर पूछो कभी अंदर जाके लड़े थे, ठीक है। मैं इनसे सवाल पूछा, जो तुम इतनी बड़ी बड़े, कोई अपना एक पार्टी खोल दिया है, कोई ये कर दिया है, सनातन के नाम पे पार्टी खोल के पैसे कमा रहे हैं, हाँ, कुछ लोग वहां पे गुरुकुल खोल रहे हैं, हाँ। ठीक है। और ये इतना सस्पिशियस चीज है कि जब इस तरह का माहौल हो रहा है कि साउथ ऑफ पीर पंजाल, और अब गुरुकुल कहाँ खोल रहे हैं, उन इलाकों में जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाकों, और उसके नाम पर आप पैसे ले रहे हैं। सर, इनकी आंखों में सुअर का बाल है बिल्कुल। हाँ नहीं, अब वो तो ये देखिए, ये इन्होंने बसाए वहां पर इनको, ये अपने गुजर्स को, गुजर्स को, रोहिंग्यास को, ये करके आप खुद जाके कभी जम्मू, ओवरनाइट जर्नी है, कभी जाके आप देख लें, आपको लोग दर्शन करवा देंगे। सर, हम सनातनियों को तो माता वैष्णो देवी जाना नहीं, 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 तो क्या वो भी सेफ नहीं रह गया ना। अब तो अभी हमला हुआ ना में। अभी वो एक आया कि वो ड्राइवर ने बड़े सूझबूझ से काम ली, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई, किसी ने भेजा कि उसकी, उसका जो चरित्र था, उसका उसका जो हौसला था, उसकी जो बहादुरी थी, वो कंडक्टर, कंडक्टर की बात कर रहा है, उसके, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए, नहीं सेव्ड मेनी डेथ्स, ठीक है ना, ही सेव्ड मेनी लाइफ, सॉरी सर, ही सेव्ड मेनी लाइफ। तो किसी ने ना, वो आया कि ही सेव्ड सो मेनी हिंदूज, तो एक सर्कल करके किसी ने मेरे को भेजा कि भाई हिंदूज, अबे वो वैष्णो देवी में कौन जा रहा है यार, ऑब्वियसली बात है, ये मानसिकता है हमारी। तब मैंने लिखा कि अब मुझे पता चल गया कि इतनी बड़ी आर्मी रहते हुए भी क्यों क्यों हिंदुओं का पलायन हुआ, दिस इज द माइंडसेट। और फिर इनका इनका ये है कि ये कहेंगे वो ब्रिगेडियर उस्मान अब्दुल हमीद, अरे उन्होंने ठेका नहीं लिया आया था यार, तुम 2-4 ऐसे एग्जाम्पल देके, तुमने क्या, उन्होंने आपको कोई लिखा था पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के बिहाफ में, सही बात है, उन्होंने ठेका ले रखा है। और जो हजारों, क्या जो जो अल्जीरिया में हो, हाँ, रहा है, जो बेल्जियम में हो रहा है, जो ब्रिटेन में हो रहा है, उसका भी ठेका ले रखा है ब्रिगेडियर उस्मान ने, और इसने, वो क्या कहते हैं, अब्दुल हमीद ने। और जो हजारों मुसलमान जिहाद नहीं, अभी 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 जो मरे हैं वो, उसका भी ठेका लिया है वो उन्होंने, व्हाट नॉनसेंस यार, बिल्कुल। फिर कहेंगे नहीं सर्वधर्म सब, सभी मजहब बराबर है, सभी धर्म, ये किसने कह दिया तुमको कि सारे धर्म बराबर है, पहला बात की सनातन के अलावा कोई धर्म ही नहीं है, बाकी सारे मजहब है, बिल्कुल। और किसने तुमको ये कह दिया, आइए बैठिए हमारे साथ डिस्कस कीजिए, क्या हिंदू धर्म में जजिया का है प्रोविजन, नहीं, तुम्हारे पूर्वज जजिया रहते तो वो भी बोलते कि सारे धर्म बराबर है, हमको जजिया दीजिए, और जजिया कैसे दिया जाता था, जजिया था फिर वो हाथ पे थूकते थे आपके, ठीक है ना, दिस वॉज द वे जजिया वॉज टेकन। अब फिर कह रहे हो कि सारे धर्म, ये क्या एक दो जनरेशन उन्होंने बर्बाद कर दिया, आप क्रिश्चियनिटी, यू आर ए क्रिश्चियन, और आप कह रहे हो कि सारे धर्म बराबर है,
क्या आपने देखा है कि कोई पैसे दे के वो जो लेडी जो तेरेसा थी है मदर तेरेसा, अरे यार मदर मदर मत बोलो यार, वो तुम्हारी वो तुम्हारी मदर होगी, मेरी मदर नहीं है ठीक है ना, सॉरी। कोई कोई माँ ऐसे नहीं करती है कि अपने अपने बच्चों को नहीं कहती कि नहीं पहले तू मेरे को ना तू तू अपना धर्म बदल बदल फिर मैं तेरी सेवा करूंगी। एवरीबडी हु केम इन टू हर फोल्ड डाइड अ क्रिश्चियन, ठीक है। तो हमने तो नहीं सुना कि कोई उसने जबरदस्ती हृदय वो परिवर्तन कर दिया, या उसने वो कर, वो क्या कहते हैं कि ये अभी ये कौन है क्या नाम है फादर तलवार समथिंग ऐसे कुछ नाम है, वो लोगों कह रहा है तुम धर्म परिवर्तन पंजाब में तुम धर्म परिवर्तन करो क्रिश्चियन बनो हम तुमको बाहर भेजेंगे कनाडा भेजेंगे, कभी सुना है क्या। और फिर आप कहते हो कि ये कि सारे धर्म बराबर है, किसने कह दिया, जब तुमने पढ़ाई नहीं है तुम जाए ये क्यों बेवकूफ बना रहे हो लोगों को, और ये जो लोग मर रहे हैं इनका कौन जवाब देगा, ये किस लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंदर के पाकिस्तान को अंदर के पाकिस्तान पे पर्दा मत डालो। अब हमारे कुछ कुछ फौजी भाई लोग भी हैं और कुछ एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान को तोड़ दो फोड़ दो बर्बाद कर दो। अरे पाकिस्तान को तो ऐसे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं, तो ऐसे लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये अंदर के पाकिस्तान के बारे में तुम क्या कर रहे हो, कमजोर कर दिया इन्होंने, खोखला कर दिया ये सब डायलॉग बोल के हमारे यहां। आज आपने फ्रांस के दृश्य देखे ना, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है ना, क्या आगजनी करी है। ब्रिटेन में भी ऐसे दृश्य देखने को मिले, उन्होंने जो मुसलमानों ने जो पॉइंट्स अपने जो डिमांड्स दिए वो थोड़ा देख लेना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो जम्मू ये साउथ ऑफ पीर पंजाल जो ये हो रहा है, ये इनको हु आर द एनेबलर्स हु आर द प्रॉक्सीज। आपने देखा ना लोगों ने अच्छे अच्छे घर बनाए, ठीक है, पैसा तो बहुत गया है भारत से, ठीक है ना, तभी तो जब ऐसे भी पैसा और टूरिज्म से भी पैसा आ रहा है उधर से, अच्छे अच्छे घर बनाए हैं। वो घर ऐसे आप ओकलो उसका ड्रॉवर खोलो, आप दो ड्रॉवर खोलो तो अंदर से उसमें बंकर बना हुआ अंदर में। अच्छा अब देख लो आप ये आप गूगल करके कैसे कैसे लोगों ने अपने घर में मतलब परमानेंट टेररिज्म का इंतजाम कर रखा है, जिहादी टेररिज्म का। Shame, sir, shame. ये वाले जो कुलगांव में अटैक हुआ है ना, दो घर इन्होंने वो किए, एक कुलगांव में और एक कि इन्होंने परमानेंट वो किए हुए। टेररिस्ट आता है वहां से खाना खिलाता है और ये हर तरह की सुविधा देते हैं, हर तरह की सुविधा, मतलब वो टूरिस्ट जो होता है ना, जब भाई लास वेगास में जो इंतजाम होता है ना वो सारा लास वेगास वाला भी इंतजाम होता है इनके, कुछ नहीं बोलते ये, ठीक है, और वहां से फिर ये टेररिज्म ये। सो इट इज द पाकिस्तान विद इन इंडिया विच इज एनेबलिंग इट। जब इस चुनाव के बाद वो जो देवबंदी है मदनी देवबंद का, जो उसने क्या स्टेटमेंट दिया, उसने स्टेटमेंट दिया कि इस बार मुसलमानों ने मोदी साहब को अपनी औकात बता दी, समथिंग टू दैट इफेक्ट ही सेड, कि मतलब उन्होंने दिखा दिया कि वो क्या। अब देवबंद क्या है, ये जितने आपके ये जैश ए मोहम्मद जो है इट्स अ देवबंदी ग्रुप, ठीक है ना, कई देवबंदी ग्रुप्स घूम रहे हैं, अफगानिस्तान में सक्रिय हैं, पाकिस्तान में सक्रिय हैं। तो भाई साहब ये सारे धर्म बराबर है तो मतलब यहाँ के देवबंदी अलग है और वहां का देवबंदी अलग है, वही यहाँ के इस्लामिक स्क्रिप्चर्स अलग है और वहां जाके बदल जाते हैं कि अरेबिक में ही रहते हैं सब, अरेबिक चलो फ्रांस अमेरिका सब एक जैसा ही। तो ये जो मैंने आपको मुख्य कारण बताया कि ये अब पूरा ये मुहिम बहुत दिन से चल रहा है
कि इसको किस तरह से जम्मू को भी बिल्कुल डेमोग्राफी जो है इसका बदल दिया जाए। मैं आपको एक बात बताता हूं और दो चीज याद रखना आप। एक कि मैंने जम्मू में मेरे तीन चार मैंने दौरा किया वहां पे, आम आदमी तो छोड़ दीजिए, वहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मुझे बोला कि सर अगर ये 370 नहीं हटता इन वन ईयर्स मतलब जब हटा तो कहता है हम लोग सब यहां से पलायन करने वाले थे जम्मू से। सब लोगों ने अपने अपने अल्टरनेटिव ठिकाने ढूंढ रहे थे रखे थे, वो अलग अलग जगहों पे हिंदुस्तान के उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज ले ली थी, सब वहां से पलायन करने के लिए तैयार थे अगर 370 नहीं हटता। और उसी सिलसिले में अगर मोदी साहब 2014 में नहीं आते तो आपका क्या हाल होता सनातनियों का, थोड़ा सा ये जो विदेशी महिला है इसके द्वारा प्रेरित वो कम्युनल बिल लेके आ रहे थे, तो वो कम्युनल बिल उसका ड्राफ्ट पढ़ ले लोग, उसका ड्राफ्ट पढ़ ले कि अगर कम्युनल राइट होता है तो सबसे पहले पूछताछ और कार्रवाई जो है वो हिंदुओं पर की जाएगी टिल दे मतलब उनको इन्वेस्टिगेशन भी है टिल दे प्रूव देमसेल्फ इनोसेंट। कितना खतरनाक चीज, मुसलमान से नहीं पूछा जाएगा। और सरदार जी, अब इसको सरदार जी के उससे आप जोड़ के देखो सरदार जी क्या बोलता है कि पहला हक मुसलमानों का है। अच्छा ये मुझे माइनॉरिटीज का स्पेशली ये सरदार जी का मैं पता नहीं यार, अगर इसको इंटेलेक्ट बोलते हैं नो फादर शुड विश हिज सन की सलाह सरदार जी के इंटेलेक्ट और कैरेक्टर का पैदा हो। इसके मुंह से मैंने कभी आज तक कभी मैंने कोई ऐसी विजडम वाली बात कोई इंटेलेक्ट वाली बात मैंने सुनी ही नहीं। तो विदेशी महिला ने यह बोला उसने और उसने ये बोला तो ये क्या है कि ये सब वही वही एक इकोसिस्टम के वो जॉर्ज सोरस वाला जो इकोसिस्टम दैट सेम इकोसिस्टम विच इज ऑपरेटिंग इन फ्रांस स्पेन पूरे यूरोप में वो इटली में वो अभी क्या हुआ अच्छे खासे अलग 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 पार्टियां थी। अगर भैया तुम्हारे में इतने अगर प्यार होता तो तुम अलग अलग पार्टी क्यों हो। और फिर इन्होंने एक फेज जो हुआ वो उसमें आगे हो गया जो फार राइट वाली पार्टी है, अब ये सब इकट्ठे हो गए, इसमें इस्लामिस्ट भी आ गए वो भी आ गए और मैक्रोन ने अपने सारे कैंडिडेट्स ये कर लिए। तो अगर ये पूरा आप माहौल देखो तो आपके 240 सीट भी आ गए ना सर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिस तरह का दुनिया भर में ये हमला चल रहा है मुहिम चल रहा है ये एक बहुत बड़े बड़ी उपलब्धि है। और आप देखिएगा अगर ट्रंप नहीं आया, एक बात मैं कह रहा हूं, तो अमेरिका में अगले चार साल में ये जो सबसे शातिर आदमी है अमेरिका में है बराक हुसैन ओबामा, वो पूरा सरकार वही चला रहा है। ये तो सेनाइल हो गया है बाइडेन जो है। और ओबामा का ये कहना है कि भाई जितने ये सब आ रहे हैं ना इलीगल इमिग्रेंट्स इन सब को तुम वोटिंग राइट्स दे दो, जिस दिन ये हो गया उस दिन खत्म। हाँ बिल्कुल उस दिन खत्म। तो ये बराक हुसैन ओबामा भी अब सर आपने सही नाम लिया। हाँ, नहीं, नहीं, पता लगा जी ये बराक हुसैन ओबामा ये दैट इट इज द हुसैन फैक्ट। और इसका जो फंडिंग भी जो हुआ था ना बड़ा डुबियस हुआ था इसका। और इसने जो मिडिल ईस्ट के साथ जो इसने ध्वस्त किया ना इसको मतलब उसके इस्लामाइजेशन के तहत ये लाइक जो लीबिया में किया और सीरिया में उसने ये सब किया, आईसीस इसने बनवाया बराक हुसैन ओबामा ने।
और आप इकोसिस्टम देखो कि अभी वो प्रेसिडेंट अभी बना ही था कि इसको ही गॉट ए नोबेल प्राइज फॉर पीस. कैन यू इमेजिन दैट इज द इकोसिस्टम. तो अभी क्या है कि अभी पूरा फोकस जो है साउथ ऑफ पीर पंजाल है, जो मैंने कहा कि जितने ये खड्स हैं, ये खड्स में उन्होंने उसको इन्फिल्ट्रेशन रूट बनाने की कोशिश की है. ये जो हुआ है अपने मतलब हिंदू पिलिग्रिम्स को पहले स्केयर करो, फिर वहां को गांव वालों को स्केयर करो, और उसके बाद यही आर्क जो है वो धीरे धीरे पंजाब की तरफ चला जाता है. सो यहाँ पे ये खालिस्तानी और ये खालिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव है ईसाई का और कश्मीर का मतलब ऑब्जेक्टिव है, वो दोनों यहीं पे कोइंसाइड करता है. और इसीलिए ये पठानकोट पर हमला करवाया गया था. ये मत भूलिए कि जम्मू के एयरफील्ड में भी ड्रोन अटैक हुआ था. बिल्कुल, हाँ याद है बिल्कुल सर. तो ये सारे कॉम्बिनेशन अगर आप फैक्टर्स को आप देख लें और सरकार को इस पर कोई कार्रवाई करनी होगी. अब क्या है कि आप पूछेंगे कि भाई ये टाइमिंग, मैं तो स्टार्टिंग में टाइमिंग टाइमिंग ऑफ द अटैक, वो जो हुआ था आपको जो रियासी वाला हमला, वो सर मोदी साहब ओथ ले रहे थे. इट वॉज अ मैसेज कि देखो तुम अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी वो समझता है, ये देखो तुम्हारा माता वैष्णो देवी पे हम कर रहे हैं, हम वैष्णो देवी के हम उस पे हमने हमला कर दिया. ये टाइमिंग, ये टाइमिंग. ऑफ कोर्स इट हैज गॉट एवरीथिंग टू डू विद द यू नो प्राइम मिनिस्टर्स रशिया विजिट. लोगों लोग परेशान हैं कि क्यों मोदी साहब क्यों रशिया गए हैं, कहीं रशिया जाके हिंदुस्तान और मजबूत तो नहीं हो जाएगा. और जहां पर भी मजबूती की बात होगी तो भारत के मजबूती की बात, तो इनकी इनकी नानी मर जाती है, ये बेचैन हो जाते हैं क्योंकि अपना एजेंडे कैसे फिक्स करें. भाई साहब मैं इतने टेलीविजन चैनल्स पे जाता हूं और ये जितने मुसलमान वहां, छोड़ दो पाकिस्तानी मुसलमान को छोड़ दो, ये भारत के अंदर के मुसलमान, मैंने इनको कहा क्या चीन जो जिस तरह से उइघुर मुस्लिम्स को ट्रीट करते हैं आप उसकी भर्त्सना करेंगे? बिल्कुल भी नहीं. आज तक किसी मुसलमान आवाज नहीं निकलती. मैंने भी देखी सर, मुसलमान नहीं की. ठीक है, अब क्या है कि मोदी साहब वहां गए हैं. अब मोदी साहब गए हैं तो उनको लगा कि अरे पता नहीं एनर्जी ट्रेड डिफेंस ये तीन चीज जो कोऑपरेशन और होगा, और जो हमने लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया, तो इनको लग रहा है कि अरे अब तो हिंदुस्तान और मजबूत हो जाएगा. अब हमारे उस पाकिस्तान का और हमारे अंदर के पाकिस्तान का क्या होगा? ठीक है, तो सारे लोग मतलब ये कि देखो पुतिन खूनी है, पहले भी चुनाव के पहले ये तो पुतिन है, मोदी को पुतिन का दर्जा दे रहे हैं. ठीक है ना, और ये नहीं सब ये समझ रहे हैं कि पुतिन क्यों इतनी इज्जत देता है, या दुनिया के जितने जो वर्ल्ड लीडर्स हैं क्यों इतना इज्जत देते हैं मोदी साहब को. इसका एक वजह है कि वो जानते हैं कि ये आदमी ये एक फियर्स नेशनलिस्ट है, ये लंदन में प्रॉपर्टी के बात करने नहीं जाता है. ठीक है ना, ऑगस्टा वेस्टलैंड से कितना पैसा आएगा वो निगोशिएट करने नहीं जाता है, बात के चक्कर में नहीं जाता. ऑयल फॉर फूड के निगोशिएट करने के लिए वो नहीं जाता है, उनको मालूम है कि देश हित में जाता है, इसीलिए मोदी को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता. ठीक है, और जब लंदन का बात आती है तो एक एम्बेसडर साहब थे, तो हम लोग एक टीवी चैनल पे बैठे हुए थे, प्रोग्राम में शुरू होने में कुछ वक्त था, तो कुछ मैंने विदेशी महिला का जिक्र किया, तो हाई कमिश्नर थे लंदन में, तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि देखो ऐसा है कि मैं ज़्यादा फिक्र नहीं करता हूँ जिंदगी में, आई टेक लाइफ एज इट कम्स यू नो,
और लेकिन इस महिला के बारे में, इस विदेशी महिला के बारे में बोला कि जब तुमने ये बात बोली है तो मैं ये मजबूर हूं ये बताने में कि मैंने अपने जिंदगी में इससे लालची महिला मैंने नहीं देखी। अब आप समझ रहे हैं उनका बयान। सो ही इज अ फियर्स नेशनलिस्ट। अब इनको जो यहां जो इकोसिस्टम है उनको ये भी तकलीफ है कि एससीओ के मीट में क्यों नहीं जा रहा है। एससीओ के मीट में इसलिए नहीं जा रहा है कि मोदी ने बताया कि हम किसी उस मीट में नहीं जाएंगे जो कि चाइनीज लीडरशिप के नीचे है। ठीक है, सो ही इज इग्नोर्ड। तो इनको उस बात से बहुत तकलीफ है। अब रशियंस का क्या है कि सॉरी रशिया का कि उन्होंने जो अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भेजा मोदी को रिसीव करने के लिए, डेनिस मांटुरोव। डेनिस मांटुरोव ने शी जिनपिंग को भी रिसीव किया था लेकिन वो एयरपोर्ट पे रिसीव करके उनको वहीं से अलविदा कह दिया था। और लेकिन मोदी को बिल्कुल होटल तक ले गए थे। तो एक तरह का उन्होंने मैसेजिंग किया कि देखो भैया तुम्हारा स्टेचर जो है वो चाइना से कहीं ऊपर है, या इफ नॉट इक्वल। ठीक है, अब ये पुतिन से ज्यादा तो इंडिया के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भैया कब से राज कर रहा है? ठीक है, कितने उसने ये बायलेटरल समिट्स अटेंड किए, उन्होंने ये किए, मनमोहन सिंह के साथ भी किया इसने, तो वो तो वर्ल्ड बैंक का, वो तो अमेरिका के हाथ बिका हुआ आदमी था जो भी था। ठीक है ना। अरे सर, मोदी साहब जब गुजरात के सीएम थे, वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, तब भी तो, वो मोदी साहब से मिले थे। अभी क्या है कि 2019 में वो इकोनॉमिक फोरम का गए थे ब्लडी वॉस्टॉक को अटेंड करने। ठीक है ना, ये उसके बाद ये बीच में वो कोविड के कारण थोड़ा बीच में 2-3 साल का गैप हो गया था, 3-4 साल का, तो फिर मिल रहे हैं वो। और इसमें ये जो 3 दिवसीय यात्रा है ये एक ऐसे समय में हो रही है कि जबकि पूरा ग्लोब जो है ना वो एक इंटेंस फ्लक्स में है जियोपॉलिटिकली। और ऐसे समय में ये एक सबसे एडवांटेजियस ये टाइमिंग है हमारे लिए कि इस फ्लक्स के पीरियड में हम कितना एडवांटेज डिराइव कर सकते हैं। तो ये टाइमिंग ऑफ विजिट का एक ये भी ये है। और एक और बात थी कि जब हम इस क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ 2014 में, उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज का रवैया रहा, तो धीरे 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 रशिया जो है वो चाइना के, और जो कॉम्पैक्ट जो है दोनों के बीच में वो बढ़ता गया। ठीक है, कि अब देखने की वाली बात है कि अभी इस साल के अंत में ब्रिक्स का भी समिट मॉस्को में, पता नहीं मोदी साहब वहां पर अटेंड करेंगे कि नहीं। और हम भी इस बात को लेके, बड़ी नॉर्मल सी बात है कि हम चिंतित हैं कि भाई ये रशिया और चाइना इतने एक दूसरे के कॉम्पैक्ट, मतलब जो इनका कॉम्पैक्ट बन रहा है, इन्होंने जस्ट यूक्रेन इन्वेजन के पहले एक स्टेटमेंट दिया था, जॉइंट स्टेटमेंट, कि दिस इज फ्रेंडशिप विदाउट लिमिट्स रशिया और चाइना का। लेकिन रशियंस ने अभी कुछ दिन पहले उसको उन्होंने दिखा दिया कि भाई देखो ऐसा है, अभी भी हम वो सुपर पावर, अपना स्टेटस हम भूले नहीं है। तो उन्होंने जाके नॉर्थ कोरिया का विजिट कर दिया, उससे चाइनीज बहुत परेशान, चाइनीज भी परेशान है और पाकिस्तानी भी परेशान है, जब वो परेशान है तो हमारे अंदर का भी पाकिस्तान परेशान है, तो इसलिए भी यहां पर ये हमले हो रहे हैं। ठीक है,
विजिट को बदनाम करने के लिए, कि मतलब लोगों का फोकस ये हो जाए, हाँ, फोकस ये, आउल गांधी पहुंच गया मणिपुर, तो उन्होंने ये किया। अब हमारे मोदी साहब वो G7 में गए, G7 में वेस्टर्न लीडर से भी बात किया, यहाँ पर वो पेलोसी, क्या नाम है, नैन्सी पेलो, जो स्पीकर जो पहले थी, उसके जो डेलीगेशन आया उसका भी ये किया, टिबेट को, ये चाइना को भी लेके बातचीत हुई यहाँ पे। लेकिन हमने दिखा दिया कि भैया देखो ऐसा है कि हम एक पावर है और हम अब वी आर गाइडेड बाई आवर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, तुम्हारे अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं, हमसे कोइंसाइड कर रहे हैं, टिबेट को लेके आओ हमारे यहाँ, वो नैन्सी पेलोसी का जो वो आया। लेकिन जहां तक हमारे जो हमारे बिल्कुल मूल जो हमारे इंटरेस्ट है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, और हमारे इंटरेस्ट हैं एनर्जी, वेपन्स, ठीक है, ट्रेड, और ट्रेड, हाँ बिल्कुल, एनर्जी तो बिना एनर्जी के तो कोई कंट्री रही नहीं सकती है। तो इन्होंने, हमने उसके बाद इसमें एक और उनके टाइमिंग का एक और फैक्टर है, ट्रंप फैक्टर भी है। अब अगर ट्रंप आ जाते हैं और जो डिबेट, जो फाइनल इन लोग का डिबेट हुआ है अभी, वो पिछला डिबेट जो बाइडन और ट्रंप में, उसमें ट्रंप वॉज माइल्स अहेड, ठीक है, तो अटकलें लगाई जा रही है कि वो काफी ब्राइट चांसेस, और इनका बड़ा कंफर्टेबल रिलेशन है पुटिन का और इसका, ट्रंप का, तो वो भी एक, मतलब अभी जो जियो पोलिटिकल फ्लक्स की बात कर रहा हूं, तो वो भी एक कारण है। नॉर्थ कोरिया के साथ मैंने अपने बताया, उन्होंने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया, और नॉर्थ कोरिया का कारण क्या है, ये एक और ये है कि देखिए लड़ाई की कितने तरह के सूरत होते हैं लड़ाई की, कितने स्वरूप हैं, हाँ वो कितने फैसेट्स होते हैं। ये जो हम रशिया और यूक्रेन को देख रहे हैं, इट, आई विल नॉट कॉल इट अ वॉर, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। पूरे हमने देखा है कि बहुत कम अब लड़ाइयां होने की, जहां पे पूरा काइनेटिक, जो आपके काइनेटिक कैपेबिलिटी है ना किसी देश की, वो अनलीश कर दिया, नहीं। अभी क्या हो रहा है कि आप यूक्रेन में रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, वो फायर किए जा रहे हैं, और मुझे बड़ी ताजुब की बात होती है कि एक इंडिया और रशिया का अभी वो समिट मीट चल रहा है, और उस समय में पूरी दुनिया की फोकस यहाँ पर है, और रशियंस जाके किसी हॉस्पिटल को टारगेट कर दें यूक्रेन में, दैट इटसेल्फ इज वेरी सस्पिशियस। और जेलेंस्की का ये सब कहना कि खूनी से जाके गले मिल रहे हैं, और आप देखोगे ये जो ये पूरा जो स्क्रिप्ट है ना, ये जॉर्ज सोरस का, जेलेंस्की का कपड़े पहनने का तरीका और राहुल गांधी के कपड़े पहनने का तरीका, आप देख लो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक ही स्कूल में गाइड हो रहा है, उसके हाव भाव और इसके हाव भाव, ठीक है ना। उसके बाद हमने रशिया के साथ लॉजिस्टिक्स वो सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया। ये एग्रीमेंट हमने ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान के साथ भी किया हुआ है, लेकिन ये पहली बार है कि हम ये नॉन वेस्टर्न ब्लॉक के किसी कंट्री के साथ किए, और ये इतना अहम चीज़ है कि अगर आप वर्ल्ड मैप देखें, अगर तो ऊपर में जो जितने ये पोर्ट्स हैं, मुमांस्क उस तरफ, ब्लडी वॉस्टॉक, ये 10-12 पोर्ट्स हैं वहां पर, जस्ट नदन पोर्शन, उसमें वहां पे आइस मेल्ट कर गया है और ये एक रूट सा बन गया है, और ये इसलिए इतनी अहमियत रखता है कि जब सोवियत यूनियन ने चढ़ाई की थी इस पे, अफगानिस्तान पे, तो उनका एक कहते हैं कि उद्देश्य था टू फाइंड अ वे टू वार्म वाटर पोर्ट, क्योंकि ये पोर्ट जो है ना विंटर्स में फ्रोजन हो जाता है, बट नाउ जब इनमें काफी इनमें अब नेविगेशन हो रहा है, तो हमने जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो हमने साइन किया है, हम उनके फैसिलिटीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमारे फैसिलिटीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
should the Russians have the intention and capability, they will also become a player of the in the Indian Ocean. In the Indo-Pacific region. तो इसका इसका ये है एक तेल की तो बात आपको मैं कह ही दिया कि आप इसी से इस विजिट का एक बहुत बड़ा एक मैसेज और है कि पुतिन ने दिखा रहा है पूरी दुनिया के कि तुम जो सोचते थे ना कि हमको तुम आइसोलेट कर दोगे देख लो सही बात है इतने आइसोलेटेड नहीं है और दूसरी बात क्या है जितेंद्र जी कि पहले क्या होता था ना हम जिसको कहते हैं ना वी वर डिस्क्राइब्ड एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री आज हम एक इकोनॉमिक पावर के रूप में जा रहे हैं ठीक है और ऐसा कभी नहीं पास्ट में हुआ है कि एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट रशिया आल्सो हैज बिकम ए इकोनॉमिक पावर especially during this conflict period. अभी एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि रशिया हैज मूव्ड फ्रॉम अपर मिडिल इनकम कंट्री फ्रॉम द स्टेटस ऑफ ए अपर मिडिल इनकम कंट्री टू अ हाई इनकम कंट्री अच्छा जी और आप देखिए हमारे जो एनर्जी की हमने बात की छोड़ दीजिए वो न्यूक्लियर एनर्जी वो सब क्या कहते हैं क्रूड ऑयल का आप ले लीजिए कुंडाकुलम प्लांट एंटायर आई मीन दिस थिंग कम्स फ्यूल कम्स फ्रॉम रशिया ठीक है वही सॉरी वो रिएक्टर ही उनका द्वारा स्थापित किया गया है तो आप देखो कि पहले 2021 में जो हम क्रूड ऑयल मंगाते थे रशिया से वो इट वाज वर्थ $2.5 बिलियन और आज वो बढ़ के 2023 में उसका हो गया है $46.5 बिलियन वो भी इंडियन रुपीस में है वो भी इंडियन हाँ, कुछ फिगर्स उसको 60 भी बता रहे हैं मतलब ये लेटेस्ट फिगर्स है $60 बिलियन का ये अब हुआ क्या है कि इसके और भी ये है कि रशियन कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आके वो मैन्युफैक्चर करेंगे डिफेंस कंपनीज जैसे कि रॉस्टेक कंपनी है उन्हें ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जो आर्मर्ड पियर्सिंग जो एम्युनिशन है वो इंडिया में वो बनाएंगे सो बाय द टाइम मोदी साहब कम्स टू इंडिया वो और भी इस तरह का वो पैकेज लेके आएंगे तो मैं ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा इवेंट कि पहले क्या होता था कि जब भी दोबारा या पहली बार पावर में तो नेबरिंग कंट्रीज में जाते थे बायलैटरल विजिट्स के लिए लेकिन इस बार उन्होंने रशिया चूज किया है और रशिया इसलिए चूज किया है कि मोदी साहब ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा कि ये फ्लक्स का पीरियड जो है इसको वी शुड सीज दिस यू नो एडवांटेज और उन्होंने बिल्कुल देश के हित में और बड़े हौसले से इतना डिप्लोमेटिक हौसला तो सरदार जी के कभी 10 जन्म में भी वो नहीं था समझे सही बात है ठीक है वो तो एक्चुअली पपेट ही थे हाँ और माता जी ने तो कुछ तो ये जो क्या है ना कि अभी ये पूरे वर्ल्ड में कुछ मामलों में ये ग्लोब जो है ना ये रियली इंटीग्रेट हुआ है इन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्पिरेसीज ठीक है ना जो कहते हैं ना ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड आई थिंक ये कॉन्स्पिरेसीज को लेके ये वर्ल्ड रियली में इंटीग्रेट हो चुका है कि कहीं से वो हुआ कोविड हुआ कोविड ने एक जगह पकड़ा पूरी दुनिया में उसको फैला दी गई मेरे को तो कोई शक ही नहीं है कि इट वॉज अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर ठीक है ना उसी तरीके से ये जो पॉलिटिकल आप देख रहे हो ना जो ये जो फ्रांस में हुआ और आप बाकी जगह देख रहे हो इस तरह का ये पूरा जॉर्ज सोरस का इकोसिस्टम तो इसी नजरिए से ये सब देखा जा रहा है इसीलिए मोदी के साहब के स्वेरिंग इन टाइम में हमला
रशिया के विजिट में हमला, ठीक है ना, राहुल गांधी का मणिपुर पहुंचना, राहुल गांधी का मणिपुर पहुंचना, ये सब जो यहाँ के जो हमारे अंदर का पाकिस्तान जो है ना, उनके द्वारा बाहर की ताकतें कुछ भी करवा सकती हैं, ये कुछ भी करने के लिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने सनातनी भाइयों को मैं सलाह दूंगा, मैं ये नहीं कहता कि उनकी तरह आप हो जाओ, अब हो भी नहीं सकते हो, सही बात, ठीक है, अब हो भी नहीं सकते हो, और क्योंकि सनातनी हिंसक नहीं होता, नहीं, वो हो भी नहीं सकते हो, वो इससे ज्यादा मैं और नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको उनकी कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुसलमान कभी बिजली के लिए नहीं रोता, मुसलमान कभी पानी के लिए नहीं रोता, मुसलमान कभी सड़क से नहीं खुश होता, मुसलमान कभी कभी एयर बढ़िया एयरपोर्ट से खुश नहीं होता, मुसलमान कभी स्कूल्स और कॉलेजेस से खुश नहीं होता, मुसलमान कोई सफाई अभियान से खुश नहीं होता, खास करके सभी आप सफाई अभियान से खुश नहीं होता, मुसलमान कभी रिजर्वेशन के लिए नहीं रोता, ठीक है ना, मुसलमान कभी रिजर्वेशन के लिए नहीं रहता है, मुसलमान तब तक ही वो सपोर्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का जब तक कि उसको ये चार शादियां अलाउड हो, शरीयत के उसमें प्रोविजन हो, तब तक वो संविधान को भी मानता है। जिस दिन आप ये सारी चीजें ले लोगे, मतलब ये खत्म कर दोगे, वो संविधान को भी मानना बंद कर देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये लोगों को कुछ सीखना चाहिए, सीखना नहीं मतलब थोड़ा गौर कीजिए ये एट्रीब्यूट्स में, आप यही सब चीजों में आप पढ़े हुए हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम सोचते हैं कि हमारे देश का पैसा है, हमारे देश का पैसा, जब हम कोई कहता है बाहर में कि अच्छा आप भारतीय हैं तो आपका सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है, लेकिन इनको अगर कोई कह दे कि आपका देश बहुत है तो इनको बड़ा दुख होता है, ठीक है। मुझे याद है जब ये चंद्रयान का जब हमको सक्सेसफुल मिला, मैंने बहुत से हमारे हैं कुछ लोग जिनसे मैं वो कर रहा था, कोई अच्छी चीज हो जाए, अगर मोदी साहब के उसमें मैच हार गया तो आप देखना मोदी साहब को गले गालियां लगेंगे, अगर जीत गया तो मातम। इस बार मैच में जब एक पॉइंट आ गया था कि जहां पे ऐसे लग रहा था कि इट कुड मतलब खत्म ही है मामला, ठीक है ना, अरे बाप रे इन लोगों के तरफ से जो गालियां, और जब ये हुआ तो सारे बेटे ठक 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 ट्वीट ट्वीट हटाना शुरू किए, और आखिरी में अभी एक हमारे यहाँ एक एक ऑफिसर जिसको बहुत यंग था, फोटो वायरल हुई है उसकी, ठीक है, और कैप्टन अंशुमन क्या ऐसे सिंह जिनकी उनकी पत्नी थी, बहुत बच्ची बच्ची ही कहेंगे, राष्ट्रपति से उसने हस्बैंड के वो पोस्टमस अवार्ड उसने लिया, कीर्ति चक्र, आज एक मुसलमान का एक ट्वीट आया और वो ऐसी गंदी ट्वीट कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, वो ऐसी गंदी वो ट्वीट आप पढ़ेंगे
तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस पैदाइश का यह आदमी। और तब अगर हम इन चीजों के को नजरअंदाज करें, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अंदर के पाकिस्तान से, अंदर के पाकिस्तान को समझें, इस पे पर्दा डालने से कोई कुछ कुछ नहीं हासिल होगा। जब आप प्रॉक्सी वॉर कहते हो तो ये आपको तय करना होगा ना, आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन प्रॉक्सीज है। कहां पे बैठे हुए, लेजिस्लेचर में कौन है, जुडिशरी में कौन है, उसमें कौन है, सोशल लाइफ में कौन है। और ये बिना कत्लेआम के तो रह ही नहीं सकते। राहुल गांधी सर जी, ये जो लोग कहते हैं ना कि ऑल रिलीजन सर, क्या रिलीजन, एक तो धर्म का मतलब, रिलीजन का मतलब धर्म होता ही नहीं है। पाकिस्तान बनाया ये अहमदिया लोग, सबसे आगे थे सर जफरुल्ला खान एटसेट्रा, ये और ये शिया आपका मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब आगे आगे रहे। उन्होंने कहा ठीक है, शिया को आगे कर दिया, वो खुश थे। वो जैसे ही वो पाकिस्तान बन गया, उसके बाद इनको रौंदना शुरू कर दिया उन्होंने। और आज देखो जितने हजारा शिया है भाग रहे हैं, भाग गए सब, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई नाव में डूब गया थाईलैंड के पास में। और ये जो अहमदिया का तो मतलब उनका हाल तो कुत्तों से भी बदतर है पाकिस्तान में। यहां तो फिर भी चैन की सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहोगे, ऑल रिलीजन आर इक्वल? ये किसको पढ़ाते हो यार? तो अब मैं अपनी बात यहीं पे मैं खत्म करता हूं। मैंने यही कोशिश की कि साउथ ऑफ पीर पंजाल क्या रीजन है, किस तरह से वहां पर डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और क्या टाइमिंग, और किस तरीके से वहां पे लोगों को बसाया जा रहा है, किस तरीके से वो लोग गाइड का काम कर रहे हैं, और ये हमले हो क्यों रहे हैं। मैंने ये सारी बातें एक एनालिसिस करने की कोशिश की, और इसका पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से इसका क्या लिंक, क्या संबंध है। व्यूअर्स, सिंह साहब ने काफी अच्छी तरह से डिटेल में समझाया हमें, सनातनियों को, खास तौर पे अंदर के जो पाकिस्तान जो हमारे अंदर बसा हुआ है ना, हमारे देश के अंदर, उनसे सावधान होने की खास जरूरत है। अच्छा, एक मैं क्लैरिफिकेशन जरूर दे दूं आपको, दर्शकों को, कि मेरा कोई मजहबी वो नहीं है, लेकिन ये आप चीज जरूर मान लें कि इस्लाम एक 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 मजहब नहीं है। इस्लाम इज अ पॉलिटिकल एंटिटी, देयर इज नथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल इस्लाम। ठीक है भाई, जो दूसरे को काफिर कहता हो वो कैसे वो पॉलिटिकल, वो स्पिरिचुअल तो हो ही नहीं सकता ना। सही बात है। तो मेरा ये मकसद क्या है कि कोई भी ऐसा सोशल फोर्स या कोई ऐसा कोई प्रॉक्सी कोई ये हो, अगर उसका एक आइडेंटिटी, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो, उस कलेक्टिव आइडेंटिटी को बोल, जो नहीं बोलता है खुल के, उसके जैसा हिपोक्रेट कोई नहीं। बिल्कुल सही बात। चाइनीज वाई आर दे क्रैकिंग डाउन, वाई आर दे क्रैकिंग डाउन यूगुर मुस्लिम्स? क्यों कह रहा है कि तो अरबिक बंद, मस्जिद बंद, नमाज बंद? इवन ए कंट्री लाइक ताजिकिस्तान, मुस्लिम कंट्री, दे हैड डन इट, कि ये सब ठीक है, वो बुरका और का सब बैन करो यहाँ पे, यहाँ उल्टा ही है। ये बिकॉज आपको ऐसे कंडीशन कर दिया गया है, ऐसे ऐसे कंडीशन कर दिया गया है। तो आपने सर के विचार सुन लिए हैं, जरा गौर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दें, तो सुझाव हो तो वो भी बताएं। थैंक यू सर।